में ट्राइबल चेयर की स्थापना भी कर दी गई है। मित्रों, आदिवासी समुदाय की सभी योजनाओं में इस बात का विशेष ध्यान रखा जा रहा है कि विकास की प्रक्रिया में आदिवासी भाई बहन अपनी प्राथमिकताएं खुद तय करें। मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है कि आदिवासी हमारी मातृभूमि के पहले निवासी और उनके सर्वांगीण विकास के बिना हिन्दुस्तान की तरक्की नहीं हो सकती। आज इस कार्यक्रम के पश्चात मुझे बताया गया है कि कलाकारों का 15-20 का ग्रुप प्रोसेशन कला केंद्र तक शायद जाने वाला है। उसमें महान आदिवासी संस्कृति, इतिहास और विरासत की झलक देखने को मिलेगी। आजादी के अमृत कालखंड में गुजर, बकरवाल, गद्दी, सिक्की समुदाय की परंपरा और संस्कृति का उत्सव पूरे जम्मू कश्मीर में मनाया जाए, मैं समझता हूं इससे बेहतर कुछ और हो नहीं सकता है। मैं आपको भरोसा देता हूं कि आपके हक, आपके अधिकारों संरक्षण के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और माननीय प्रधानमंत्री ने बार बार इस बात को कहा है। एक कोशिश की जा रही है, कुछ लोग गुमराह करने की कोशिश आपको कर रहे हैं। एक नई व्यवस्था जो आरक्षण की आने वाली है उसके कारण आपके अधिकारों में कटौती हुई। मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपके बीच ये बात कहना चाहता हूं कि आपके जो अधिकार है उसमें कोई कमी दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती। राजनीतिक स्वार्थ वाले लोग हैं जो आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे बताया गया कि साथी पद यात्रा कर रहे हैं, मैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं, आप भरोसा रखिए 2 वर्षों में हम लोगों ने बड़ी ईमानदारी से कोशिश की है और आगे भी आपके विकास की हर योजना को जमीन पर उतारने की कोशिश होगी। मैं उनसे आग्रह करता हूं आप ये पद यात्रा स्थगित करिए। जो आपका हक पहले से जो निर्धारित उसमें कोई कटौती कभी नहीं होगी।